हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टअप वेंट। दोस्तों, बॉयलर में स्टार्टअप वेंट क्या होता है, कहाँ पे लगा होता है, इसके क्या रोल है, इसके क्या क्या यूजेस है, इसको स्टार्टअप वेंट ही क्यों कहा जाता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। और जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आज जो हम लोग ये टॉपिक स्टार्टअप इवेंट का डिस्कस करेंगे, ये आप जैसे ही किसी दोस्त ने मुझसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था, जिससे मुझे मोटिवेट मिला और हम ये वीडियो बना पाए। आई थिंक कि आप इसे समझते होंगे। अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टअप इवेंट, पहले ये समझते हैं कि ये जो स्टार्टअप इवेंट है, ये बॉयलर में कहाँ लगा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बॉयलर ड्रम में जब स्टीम सेपरेट होता है, तो वो पहले सुपर हीटर में जाता है, और सुपर हीटर में स्टीम सुपर हीटर होने के बाद वो MSSB के थ्रू टर्बाइन में जाता है। तो MSSB से पहले जस्ट एक बाईपास लाइन होता है, जिसका जो डिस्चार्ज है वो खुले एटमोसफेयर में होता है। तो इसी लाइन को हम लोग स्टार्टअप वेंट कहते हैं। इसमें एक यहाँ पे मोटराइज वाल्व लगा होता है, जिसको हम लोग 100% ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक मोटराइज इंचिंग वाल्व या न्यूमेटिक वाल्व लगा होता है, जिसको हम लोग परसेंटेज वाइज ओपन या क्लोज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें 10% खोलना हो तो 10% खोलेंगे, 20% खोलना है तो 20% खोलेंगे, या 50% खोलना है तो 50% खोलेंगे। इस तरह से परसेंटेज वाइज ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक साइलेंसर लगा होता है, जिसके थ्रू जो स्टीम है वो खुले एटमोसफेयर में डिस्चार्ज होता है। तो MSSB से पहले जो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन दिखा, इसी को ही हम लोग स्टार्टअप वेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि स्टार्टअप वेंट का इस बॉयलर में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट यूजेस है। तो देखिए, नाम से ही ऐसा लगता है स्टार्टअप वेंट, मतलब बॉयलर स्टार्ट के दौरान इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा ही। जिसमें हम लोग पहला जो इसका यूजेस का बात करेंगे, वो है टू इंक्रीज मेन स्टीम टेम्परेचर। तो देखिए, जब हम लोग बॉयलर को लाइट अप करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उस समय जो स्टीम का प्रेशर या टेम्परेचर जो होता है, वो डिजायर्ड नहीं होता, उसको हम लोग टर्बाइन में नहीं ले सकते हैं। तो हमको डिजायर्ड टेम्परेचर पाने के लिए हमको हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। तो हीट ट्रांसफ़र तभी होगा जब हमारा स्टीम का फ्लो होगा। तो कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को हमको फ्लो करवाना पड़ता है, तो वो हम लोग इसी स्टार्टअप वेंट से खुले एटमॉस्फेयर में फ्लो करवाते हैं, ताकि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हो सके और हमें मेन स्टीम का जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो मिल सके। तो पहला तो इसका यूज ये हो गया। दूसरा इसका क्या यूज है, वो है टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ सुपर हीटेड ट्यूब। तो देखिए, जब बॉयलर हम लोग लाइट अप करते हैं, तो उस समय हम लोग सुपर हीटेड में कुछ स्टीम को फ्लो करवाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करवाएंगे, तो जो फ्लू गैसेस है उसके द्वारा जो सुपर हीटेड का जो ट्यूब है वो ओवर हीटेड होने लगेगा, जिसके वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए भी हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को सुपर हीटेड ट्यूब में फ्लो करवाते हैं, और उस स्टीम को हम लोग खुले एटमॉस्फेयर में इस स्टार्टअप वेंट के द्वारा डिस्चार्ज कर देते हैं। अब नेक्स्ट है टू एस्केप कंडेंसेट। तो देखिए, बॉयलर जब स्टॉप कंडीशन में रहता है, तो उस समय जहाँ पर भी यू शेप का जो ट्यूब होता है, वहाँ पे कंडेंसेट जमा हो जाते हैं। तो बॉयलर लाइटअप के दौरान उसको स्टार्ट करने के द्वारा इस कंडेंसेट को निकालना जरूरी होता है, ताकि हमारा मेन स्टीम जो टेम्परेचर है वो बढ़ सके। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टीम को हम लोग फ्लो करवाते हैं, ताकि हीट का ट्रांसफ़र उस समय हो पाए और हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर बढ़ पाए। और ये जो कंडेंसेट है, इसी कंडेंसेट को हम लोग स्टार्टअप वेंट के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं खुले एटमॉस्फेयर में। तो जिससे ये कंडेंसेट भी निकल जाता है और हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर भी जो डिजायर्ड है वो मिल जाता है। तो ये जो तीनों हम लोग जो इम्पोर्टेंट रोल देखे, वो कब होता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ बॉयलर। मतलब बॉयलर स्टार्ट करने के दौरान ये जो यूजर्स है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इसको स्टार्टअप वेंट कहा जाता है, क्योंकि ये बॉयलर स्टार्ट के दौरान इसका यूज होता है। इसके अलावा कुछ इसका इम्पोर्टेंट भी रोल है, कि जब बॉयलर रनिंग कंडीशन में होता है, तो टू रिलीज एक्सेसिव प्रेशर ड्यूरिंग सडन लोड कट ऑफ। जब बॉयलर और टर्बाइन रनिंग कंडीशन में होता है, तो किसी भी कारणवश अगर टर्बाइन में लोड कट ऑफ हो जाए, लोड कट जाए, तो उस समय क्या होता है कि पूरा जो हमारा बॉयलर है वो प्रेशराइज होता है, जिसके वजह से हमारा ड्रम लेवल जो है वो पुश होता है, और लो लेवल पे जो बॉयलर है वो ट्रिप होने का चांसेस होता है। तो इस एक्सेसिव प्रेशर से बचने के लिए और ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग स्टार्टअप वेंट का यूज करते हैं, जिससे जो एक्सेसिव जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है कि रनिंग मिनिमम लोड ड्यूरिंग नो लोड ऑन टर्बाइन। तो मान लीजिए कि जब बॉयलर टर्बाइन रनिंग कंडीशन में है और किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें टर्बाइन बंद करना पड़े, कुछ घंटों के लिए हमें ब्रेक डाउन लेना पड़े, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि बॉयलर को बंद ना करके बॉयलर को हम लोग मिनिमम लोड में चलाएंगे। तो बॉयलर को मिनिमम लोड में चलाने के लिए जो हमें स्टीम को कहीं ना कहीं तो डिस्चार्ज करना होगा, तो उसको हम लोग स्टार्टअप वेंट के जरिए ही डिस्चार्ज करते हैं और जो बॉयलर का मिनिमम लोड है वो मेंटेन करते हैं ताकि हमारा बॉयलर लाइव रहे और जैसे ही टरबाइन हमारा लाइन में आए उस स्टीम को हम लोग फिर से ले पाए। तो बॉयलर में स्टार्टअप वेंट का ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट रोल। आई होप कि ये जो टॉपिक है स्टार्टअप वेंट का ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।